गाइज आपको ये दुख देने वाली खबर तो मिल ही गई होगी कि PUBG मोबाइल KR वर्जन बैन हो चुका है, ऑफिशियली गाइज अनाउंस हो चुका है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो गेमर्स, तो कैसे हो आप? अगर आप लोग भाई बढ़िया हो ना, तो जो न्यूज़ मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ ना, वो सुनने के बाद गाइज आप लोग बढ़िया नहीं रहने वाले हो, और हो सकता है कि बढ़िया भी हो जाओ। तो गाइज न्यूज़ क्या है, फुल न्यूज़ गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ गाइज, अगर आप चाहते हो कि PUBG मोबाइल इंडिया या फिर आप PUBG मोबाइल KR से रिलेटेड आपको जो भी न्यूज़ है सबसे पहले मिले ऑफिशियली, तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर सकते हो। गाइज अभी तक तो आप सबको पता चल गया होगा कि PUBG KR जो है वो बैन होने वाला है, क्योंकि भाई काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटरों ने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया आज ही। और गाइज ये न्यूज़ निकल के आई है PUBG KR ऑफिशियल की तरफ से, यानी कि गाइज क्राफ्टन की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आई है, कोई भी गाइज वेबसाइट की ये न्यूज़ नहीं है, ना ही कोई न्यूज़ आर्टिकल है। खुद गाइज क्राफ्टन ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ये पोस्ट करके बताया है। तो अभी गाइज हम चलते हैं इंस्टाग्राम पर और देखते हैं कि भाई वहाँ पर PUBG KR वालों ने क्या कहा है और क्यों वो लोग कर रहे हैं PUBG KR को। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि हम PUBG KR के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे आ चुके हैं, और यहाँ पे गाइज PUBG KR ने पोस्ट किया है, जो कि गाइज इन लोगों ने ट्विटर पे भी किया है। और यहाँ पे गाइज आप जानते होंगे कि ट्रांसलेटर होता है, तो यहाँ पे गाइज ये सारी पोस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है, जो कि गाइज अभी मैं पढ़ने वाला हूँ आपके सामने और बताने वाला हूँ कि यहाँ पे PUBG KR का क्या कहना है बैन को लेके। इस पोस्ट में ना गाइज PUBG KR ने काफ़ी बातें लिखी हैं, और गाइज PUBG मोबाइल इंडिया की तरफ भी एक छोटा सा इशारा किया है इसी पोस्ट में। तो यहाँ पे गाइज हम सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि जो PUBG KR वर्जन था ये स्पेशल बनाया गया था कोरिया और जापान के लिए, जो गाइज अदर कंट्री में रहते हैं उनके लिए उनका लोकल वर्जन है, और गाइज ग्लोबल वर्जन भी अवेलेबल है, वो दोनों खेल सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे नीचे आने के बाद आप देख सकते हो चेंजेस ऑफ KRJP बिल्ड, यानी कि ये चेंजेस होने वाले हैं PUBG KR में जल्द ही। 1 मई से गाइज आप उसमें कोई भी तरह की किसी भी तरह की पेमेंट नहीं कर पाओगे, यानी कि आप उसी परचेज नहीं कर पाओगे 1 मई से। उसके बाद गाइज आप यहां पे देख सकते हो कि 1 मई से ही गाइज आपको नोटिफिकेशन एरर देखने को मिलने वाले हैं, जो गाइज हमें PUBG मोबाइल ग्लोबल वर्जन में भी देखने को मिलते हैं इंडियन यूजर्स को। उसके बाद गाइज 30 जून को ना आप PUBG KR वर्जन को खेल ही नहीं पाओगे अगर आप कोरिया और जापान से नहीं हो। अगर गाइज आप इंडिया से हो या फिर अदर कंट्री से हो तो भाई बाय बाय टाटा गुड बाय गया, यानी कि आप PUBG KR को कभी लॉग इन ही नहीं कर पाओगे, VPN यूज करके भी गाइज नहीं कर पाओगे। और गाइज जहां पे जो मेन चीज आती है ना वो है फॉर यूजर लिविंग इन इंडिया। आप यहां पे देख सकते हो कि किसी भी कंट्री को गाइज यहां पे हाईलाइट नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को किया गया है। द अपर 3 चेंजेस विल बी पुट इनटू इफेक्ट फ्रॉम 6/30, यानी कि 30 जून से इंडिया पे भी ये लागू होगा। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि स्पेशल इंडिया को हाईलाइट करके कहा गया है। गाइज इसका मतलब ये है कि PUBG मोबाइल इंडिया आने वाला है जल्द ही, क्योंकि गाइज हमारे पास ग्लोबल वर्जन अवेलेबल नहीं है, हमारा लोकल वर्जन गाइज जो होगा वो PUBG मोबाइल इंडिया होने वाला है। और गाइज अभी आप ये लेके चल लीजिए कि 30 जून से पहले पहले आपको PUBG मोबाइल इंडिया देखने को मिलने वाला है। जैसे गाइज मैंने आपको कल कहा भी था कि अप्रैल में आपको देखने को मिल सकता है PUBG मोबाइल इंडिया, लेकिन गाइज अभी क्राफ्टन की तरफ से ये कंफर्म हो चुका है कि 30 जून से पहले पहले आपको PUBG मोबाइल इंडिया देखने को मिल जाएगा। न्यूज के बाद ना गाइज आपके मन में काफी सारे क्वेश्चन होंगे कि क्या अभी हम PUBG KR कभी नहीं खेल पाएंगे VPN लगा के भी? तो गाइज जब ये बैन होगा तभी गाइज मैं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन गाइज अभी तो काफी मुश्किल है कि VPN लगा के आप PUBG KR खेल पाओगे 6/30 के बाद, यानी कि 30 जून के बाद। और गाइज काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम अपनी ID माइग्रेट कर पाएंगे जो भी हमारा लोकल वर्जन होगा या फिर ग्लोबल वर्जन होगा? तो गाइज इसका जवाब है साफ साफ नो, यानी कि आप PUBG KR की ID ना ही ग्लोबल वर्जन में ट्रांसफर कर पाओगे, ना ही गाइज आप अपने लोकल वर्जन में ट्रांसफर कर पाओगे, क्योंकि गाइज PUBG KR जो वर्जन था ये कोरिया और जापान के लिए था, अदर कंट्री के लिए नहीं था। तो गाइज आपके पास जो भी स्किन है या फिर यूसी है तो गाइज उसी स्पेंड कर दो। अगर गन की स्किन काफी OP है तो भाई कॉन्टेक्ट कर लो किसी जापान से या फिर कोरिया से और अपनी ID जल्दी से जल्दी बेच दो, क्योंकि गाइज
पबजी की यार आप कभी खेल ही नहीं पाओगे तो क्या फायदा अपनी गन की स्किन का। और गाइज अगर आपको लगता है कि पबजी की यार आपका पबजी मोबाइल इंडिया में माइग्रेट हो जाएगा तो गाइज आपकी काफी बड़ी भूल है। मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि पबजी की यार किसी भी वर्जन में ट्रांसफर नहीं होगा, किसी भी वर्जन में माइग्रेट नहीं होगा, क्योंकि गाइज जो वर्जन है स्पेशल कोरियर जापान के लिए था, अदर कंट्री के लिए नहीं था। तो गाइज उसमें आपकी यूसी लगी हो या गन की स्किन हो कुछ भी हो, उससे गाइज पबजी की यार या फिर क्राफ्टन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए गाइज मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना पबजी की यार का जो वर्जन है वो बेच दो। हम तो गाइज ग्लोबल वाले, हम ग्लोबल खेलते हैं बिना वीपीएन के। अगर आप नहीं, और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन है ना, इसमें जो भी हमारी गन की स्किन है और यूसी है ना, ये गाइज माइग्रेट होंगे पबजी मोबाइल इंडिया में। इसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो। जो भी गाइज पबजी मोबाइल ग्लोबल खेलते हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही पबजी मोबाइल इंडिया आएगा तो उसमें आप इजीली खेल पाओगे पबजी मोबाइल ग्लोबल की आईडी को शिफ्ट करके। और हाँ गाइज, अगर आप में से किसी भाई को यूसी परचेज करनी हो तो डायरेक्ट आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करके हमसे यूसी परचेज कर सकते हो पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन में। और हाँ गाइज, पबजी मोबाइल लाइट में भी आप कर सकते हो हमसे यूसी परचेज। और गाइज अगर आप चाहो तो खुद भी यूसी परचेज कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे चल रहे 10 रोल पास के गिव अवे में अगर आपने एंट्री नहीं की तो कर लेना एंट्री। गिव अवे की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।